जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादिकरतः चार्थेषु धिग्यस्वराट् तेने ब्रह्मरदाय आदिकवयो मुह्यन्ति यः सूरयः। भगवान वेदव्यास जी जिस परम सत्य की बात करते हैं वो जैसे कहते आ रहे हैं, उत्पत्ति स्थिति और लय का जो कारण, और साथ साथ में सबसे पहले महात्म्य में कहा जो ये जगत का उत्पत्ति का कारण भी वही है। ऐसा पूर्ण परब्रह्म परमात्मा जगत बनाया और उस जगत में उसने प्रवेश किया। ऐसे तो समस्त चराचर जगत उसी का है, उसी को उपनिषदों ने कहा विषावाश्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत्। जो कुछ देखने में आ रहा है ईश्वर के सिवाय दूसरा कुछ है ही नहीं, वो ईश्वर ही है। परंतु जब ईश्वर ने ये सृष्टि बनाई उसमें तीन गुणों को शामिल कर दिया, तीन गुणों के द्वारा सृष्टि बनाई, सत्व रज और तम। भगवान पूर्ण सत्व है, परमात्मा का जो गुण है वो सत्व गुण है, शुद्ध है। और शुद्ध परमात्मा लीला नहीं करता है, वो आनंद स्वरूप है, आनंद कभी लीला नहीं करता है। लीला करने के लिए कोई ना कोई दूसरे गुणों का धारण करना होता है। इसलिए कुछ विद्वानों ने उत्प्रेक्षाएं की जब कन्हैया ने माटी खाई थी, माटी को एक कहा जाता है रज। भगवान ने विचार किया लीला करनी है, जब तक रज को धारण नहीं करेंगे, पृथ्वी पर लीलाएं करनी है तो जब तक रज को धारण नहीं करेंगे, रज का दोनों अर्थ हैं, पृथ्वी भी है और साथ साथ में रजो गुण भी है। और रजोगुण के बिना संसार चलता नहीं है। और भगवान भी अपने से अलग नहीं, इसलिए हम भगवान कृष्ण से हम लोग कितना प्रेम क्यों करते हैं। आप अगर पूछेंगे आप शिव जी को इतना, आप ठीक है शिव कुछ चाहना होता है तो हम शिव जी के पास भी पहुंच जाते हैं, और हमारी कुछ और काम ना हो तो पता नहीं हम लोग कहाँ कहाँ जाते हैं। मुझे कभी कभी आश्चर्य होता है कि हमारे यहाँ पर, पहले भी मैंने कहा कि हमारे यहाँ पर इतने भगवान है ना, इतने देवता, और सब कुछ देने वाले हैं। ऐसा नहीं कि वो कुछ देते नहीं हैं, आपको मांगने का ढंग नहीं है। अब जाते हैं कहाँ कहाँ पर, जहाँ पर मुर्दे गड़े हुए हैं, हाँ देख सुनने में ठीक नहीं लगता है, परंतु वहाँ भी चले जाते हैं मांगने के लिए, हमारा स्वभाव बन गया है। परंतु हम सब लोग भगवान कृष्ण से इतना प्रेम क्यों करते हैं, उस पर बात, बाकी बात छोड़ो अलग। हम लोग भगवान श्री कृष्ण से इतना प्रेम क्यों करते हैं, इसका कारण क्या, तो कारण तो होना चाहिए। वो हमारे जैसे दिखता है, हम जैसे स्वरूप को चाहते वैसा दिखता है, वो बहुत गौरवर्ण नहीं है। भगवान कैसे हैं, गौरवर्ण नहीं है, वो अंग्रेज जैसे नहीं है, वो हमारे जैसे हैं। मेरे पास जब गिरीश भाई, हमारे राजेश भाई, प्रकाश भाई आए तो
जब वो पत्रिका का उसको अंतिम उसको रूप देना था, हमने कहा कि जो अपने प्राचीन भगवान लगते हैं ना अच्छे, वैसे रखो तो अच्छा है ये ना। हाँ, तो बहुत सुंदर रखा है यहाँ ये देखो गिरीश भाई ने। तो हमने कहा कि जो प्राचीन भगवान का जो स्वरूप है बड़ा अच्छा लगता है, और जो जैसा जो अपने आप को देखता है वैसा ही भगवान को भी देखता है। तो हमारे पूर्वजों ने भगवान का एक सुंदर स्वरूप, क्या स्वरूप है भगवान का, भगवान बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम, भगवान बहुत सुंदर मोरपंच लगाए हुए हैं, कानों में वो फूलों के कुंडल लगाए हुए हैं, वैजयंती माला पहने हुए हैं, ऐसा सुंदर स्वरूप हमें लगता है कि अपना है। क्या लगता है, अपनत्व हो जाता है। इसलिए तो शायद हम लोग भगवान को ज़्यादा हम लोग उसकी आराधना करते हैं, उसके गुणगान श्रवण करने को मिलता है। भगवान श्याम सुंदर है, हमारे जैसे हैं, और विशेषता ये है कि हमारे जैसे वो व्यवहार कर रहे हैं। भगवान हमारे जैसे ही वो वर्तन करते हैं। पहले उन्होंने जन्म ग्रहण किया, माखन चुराया, गोपियों का रंजन किया, बछड़े चलाए चराए, गौ चराई, और फिर वहां पर कुछ जो राक्षस थे उनका मर्दन भी किया। मनुष्य का स्वभाव है शक्तिशाली को हम चाहते हैं, शक्तिशाली राजा हो, शक्तिशाली कोई दूसरा व्यक्ति हो, घर में कोई हमारा मुखिया हो वो शक्तिशाली हो, हम शक्तिशाली की पूजा करते हैं। और जब भय होता है तो हम लोग सबसे ज्यादा स्मरण करते हैं हनुमान जी का, क्यों, क्योंकि शक्तिशाली है। और भगवान श्री कृष्ण भी शक्तिशाली है, ये हम लोगों को उनके जीवन चरित्र से सुनने को मिलता है। और फिर भगवान श्री कृष्ण अपने माता पिता को सुख देते हुए जिन माता पिता ने जन्म दिया था उनके पास भी पहुंच जाते हैं। एक ने पालन किया, वहां शिशु बन करके किशोर अवस्था तक वहां रहे। शिशु होता है, छोटा बच्चा होता है, बालक होता है, पौगंड अवस्था प्राप्त होती है 6 वर्ष के आसपास में। फिर उसके बाद में लगभग 12 वर्ष के आसपास वो जो बालक है वो किशोर अवस्था में प्रवेश करता है। फिर यौवन अवस्था प्राप्त होती है, परंतु यौवन अवस्था प्राप्त करते करते भगवान को कुछ और कार्य करना था, इसलिए भगवान ने मथुरा में प्रवेश किया। और मथुरा में प्रवेश करने के बाद में जो भय था, जो यदुवंशियों को जो भय था उसको समाप्त किया, और भगवान ने जैसे संसार का कार्य होता है वैसे ही सांसारिक कार्य के समान भगवान श्री कृष्ण ने राक्षस विधि से, देखो राजा परीक्षित ने पूछा था कि ये राक्षस विधि से जो भगवान ने विवाह किया, पहले तो हरण किया, और हरण नहीं किया इसलिए नहीं किया कि वो नहीं चाहती थी रुक्मिणी, रुक्मिणी चाहती थी कि मेरा विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ में हो, परंतु कुछ अड़ंगे थे बीच में, उसका जो भाई था रुक्मी वो नहीं चाहता था कि मेरी बहन का विवाह कृष्ण से हो। जिसकी वृत्ति दुष्ट होती है वो सद्वृत्ति को चाह ही नहीं सकता। जिसको कहीं घूमने फिरने की आदत हो वो सत्संग में उसको आने की उसको आदत होगी नहीं, उसको अच्छा लगेगा ही नहीं सत्संग में। इसलिए वो रुक्मी नहीं चाहता था कि भगवान श्री कृष्ण के साथ में मेरी बहन का विवाह हो, और रुक्मी नहीं चाहती थी कि मेरा विवाह किससे हो, भगवान श्री कृष्ण से हो, इसलिए उनका हरण किया।
बलात् नहीं किया, जबरदस्ती नहीं किया। रुक्मिणी जी चाहती थी, संदेश भेज दिया था कि मेरा आप उद्धार करे और मेरा आप पानी ग्रहण करे, संदेश भेजा था। लोग आजकल कहने वाले लोग कहते हैं कि सबसे पहले प्रेम पत्र अगर लिखा है तो वो रुक्मिणी जी ने लिखा है, दोनों का वर्णन किया। यहाँ बहुत से लोग हैं जिनका उसी प्रकार विवाह हुआ है। एक दिन थी ना कौन बहन, धैर्य वाला बहन, उसने भी अपनी यहाँ पर अपनी बात कही। तो भगवान ने वहां पर उनको ला करके राक्षस विधि से ले आए, क्योंकि वहां पर दूसरा कोई उपाय नहीं था। उस समय अगर वो जाते में मुझे वरमाला पहना तो वहां पर कोई वरमाला पहनने देता नहीं, वहां पर वहां कोई पानी ग्रहण होता नहीं, विधि विधान होती नहीं, इसलिए भगवान को ऐसा कर्म करना पड़ा। देखना भैया थोड़ा सा, और वो राक्षस विधि से आने के बाद में ब्रह्म विधि से वहां पर पुनः भगवान आते हैं और ब्राह्म विवाह। और फिर ब्राह्म विवाह में दोनों पक्ष चाहिए, दोनों पक्ष चाहिए ना ब्राह्म विवाह में, माता पिता भी हो, मैकी वाले हो भी हो, यहाँ वाले भी वर पक्ष के भी लोग हो। तो वहां पर ये आयोजन हुआ, बहुत भव्य मंडप सजाया गया। अब लोगों ने सुना कि वहां पर बड़ा भारी सुंदर विवाह हुआ, विवाह का उत्सव हुआ, और द्वारकावासी जो अन्य द्वारकावासी थे वो क्या हुए, वो सब रुक्मिणी जी के पक्ष में आए। जैसे कल आप लोगों ने यहाँ पर सुंदर उसका दृश्य देखा, बड़ा अच्छा लगा। हम लोग जो उत्सव प्रिय लोग हैं, हमारे इस भारत भूमि पर नित्य उत्सव चलते हैं और नित्य उत्सव भगवान के होते हैं। और उत्सव हुआ, ब्राह्म विवाह संपन्न हुआ और दैव विवाह संपन्न हुआ। और दैव विवाह संपन्न होने के बाद में भगवान ने कुछ गृहस्थी के कार्य में प्रवेश किया, इसलिए शायद हम लोगों को भगवान कृष्ण, वो भगवान भी हैं हमारे जैसे भी हैं, उनके अद्भुत कर्म भी हैं और भक्तों के प्रिय भी हैं और उनको भी भक्त प्रिय है, इसलिए हम लोगों को शायद भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न है, हम लोगों को प्रिय है। भगवान ने गृहस्थ में प्रवेश किया है और गृहस्थ में प्रवेश करने के बाद में संतति की कामना होती है, और उनके भी घर में पहली संतति हुई, पहला पुत्र होते ही 10 दिन के भीतर उसका एक राक्षस आकर के उसका अपहरण कर लिया, जिसका नाम शंभासुर है। शंभासुर को पता है कि कृष्ण का जो पुत्र होगा उससे मृत्यु होने वाली है, इसलिए शंभासुर रहता था समुद्र में, और समुद्र में रह करके वो आया और उसने भगवान के बालक जो प्रद्युम्न था उसको, प्रद्युम्न इति विख्यात, उसका प्रद्युम्न नाम हुआ, और उसको वो शंभासुर ले गया और ले जाते 10 दिन का बालक, 10 दिन के पहले का बालक, और उसको समुद्र में फेंक दिया। लंबी कथा है, क्योंकि जब कामदेव ने भगवान शंकर को अपनी पीड़ा करना देना चाहता था, कामदेव अपना प्रभाव दिखाना चाहता था, उस समय भगवान शिव ने तृतीय नेत्र से कामदेव को भस्म किया था, और वही रति उस राग को लेकर के आई थी, और उसके द्वारा वो प्रद्युम्न का जन्म होता है, और वो भी साक्षात कामदेव का अवतार है। और इस प्रकार भगवान ने अपना गृहस्थ आश्रम प्रारंभ किया। परंतु कहते हैं कि अच्छे कार्य में कभी कभी विघ्न आते हैं। प्रथमे ग्रासे मोक्ष का पाता, एक ऐसा कभी कभी हम लोग अच्छा काम करने लगते हैं और प्रथम कार्य में ही भगवान के यहाँ पर विघ्न आया। परंतु जो भगवान काम करता है ना, कार्य करता है, उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है, निश्चित उद्देश्य है उसका। हम लोग क्यों आए हैं,
हमारा क्या कर्तव्य है, ये परमात्मा को पता है, हमें शायद पता नहीं है। और इस प्रकार भगवान का थोड़ा सा आगे अपना जीवन चलता है और भगवान की अन्य लीलाओं को भी हम श्रवण करने से पहले थोड़ा सा संकीर्तन। गोविंद गोविंद गाइए रे भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे, गोविंद गोविंद गाइए रे भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे, मुरली मनोहर गाइए रे भजो नंदा के लाल नृत्य गाइए रे, मुरली मनोहर गाइए रे भजो नंदा के लाल नृत्य गाइए रे, गोविंद गोविंद गाइए रे भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए। गिरधारी गिरधारी गाइए रे माई मीरा के नाथ नृत्य गाइए रे, गिरधारी गिरधारी गाइए रे माई मीरा के नाथ नृत्य गाइए रे, गिरधारी गिरधारी गाइए रे माई मीरा के नाथ नृत्य गाइए रे, गिरधारी गिरधारी गाइए रे माई मीरा के नाथ नृत्य गाइए रे, गोविंद गोविंद गाइए रे भजो राधे गोपाल। गिरधारी गिरधारी गाइए रे माई मीरा के नाथ नृत्य गाइए रे, गिरधारी गिरधारी गाइए रे माई मीरा के नाथ नृत्य गाइए रे, गोविंद गोविंद गाइए रे भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे, गोविंद गोविंद गाइए रे भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए, राधे 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 श्याम, 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 राधे 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 श्याम, 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 राधे 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 श्याम,
राधे 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 श्याम, राधे 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 श्याम, राधे 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 श्याम, राधे 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 श्याम, राधे 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 श्याम, राधे 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 श्याम, राधे 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 श्याम। भगवान द्वारिकानाथ लीला कर रहे हैं और सुखदेव जी महाराज उस लीलाओं का श्रवण करा रहे हैं राजा परीक्षित को। ये अद्भुत लीलाएं हैं। राजा परीक्षित कहते हैं कि भगवान, सत्राजितः किम करोत् ब्रह्मन् कृष्णश्च विकिल्मिषम्, शमन्तकः कुतस्तस्य कस्मादत्ता सुता हरे। इस सत्राजित ने भगवान कृष्ण पर क्यों आरोप किया था शमन्तक मणि हरण का, ये प्रश्न करते हैं राजा। और उसकी विस्तार से कथा कहते हैं यहाँ पर सुखदेव जी महाराज। आसीत् सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा, प्रियस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यष्टः शमन्तकम्। एक यदुवंश ही था जो जिनका नाम सत्राजित था और इस सूर्य का बड़ा भारी भक्त था। पहले मैंने कहा ना कि हम लोग जिसकी उपासना करते हैं, अगर हम भगवान शिव की उपासना करते हैं हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी, हम अगर बृहस्पति की उपासना करते हैं तो हमें ब्रह्मवर्चस्व तेज प्राप्त होगा। सूर्य भी ज्ञान का प्रतीक है और भौतिक वस्तुओं का भी प्रतीक है, इसलिए अपने यहां पर पंचदेव हैं अपने यहां पर, पंचदेव की उपासना अपने यहां पर की जाती है। आप भी अपने यहां पर जब भगवान की उपासना करते हैं, हमारे यहां पर पंचदेव होते हैं और एक है उसमें कोई भगवान को अपना इष्ट मानता है, भगवान विष्णु को इष्ट मानता है, तो वह मध्य में वो रहेंगे, उनके साथ में भगवान शिव हैं, शक्ति हैं, गणेश हैं और पंचम देवता सूर्य हैं हमारे यहाँ पर, ये पंच देवता हमारे यहाँ पर। ये सनातन पद्धति की उपासना है ये, और किसी को आप मानते हैं बात अलग है, परंतु हमारे ये मूल देवता है। और सत्राजित नाम का जो वहाँ पर यदुवंशी था वो सूर्य का भक्त था और उसने सूर्य की आराधना करते करते सूर्य देव एक दिन प्रसन्न हुए और उनके गले में जो एक सुंदर मणि था जिसका नाम शमन्तक था वो अपने भक्त को दे दिया। और भक्त को देने के बाद में वो आनंद प्रसन्न हो करके वो सत्राजित वापस आता है। तब तक भगवान श्री कृष्ण का वैभव उस द्वारिका में आया हुआ है और दूसरे का वैभव देख करके अपना वैभव दिखाने की इच्छा होती है, यही परंपरा चली आ रही है। पड़ोसी की यहाँ तो जो कड़े रोड है ना, यहाँ पर बड़े बड़े लोग रहते हैं, उसकी आई मर्सिडीज तो हमारी BMW आ जाए, फिर फोर्स आती है, फिर कोई कोई कहते हैं कि सबसे अच्छी गाड़ी कौन सी है, तो बहुत सी गाड़ियां हैं। पहली बार जब मैं कथा कर रहा था तो ऐसी चर्चा चली, तो हमारे एक ब्रह्मचारी गए यहाँ पर जो रोल्स रॉयस का एक शोरूम है यहाँ पास में, उसको पूछा भाई तुम्हारी ये गाड़ी कितने की है, उसने कहा कि 4 करोड़ की लेना है, बोले आज नहीं लेना है। तो मन में ऐसी बात होती है, किसी का दूसरे का देख करके अपने को भी दिखाने की इच्छा करती है। सत्राजित को लगा कि मैं भी अपना वैभव दिखाऊं और प्रतिदिन वो जो मणि था वो अष्टभार स्वर्ण, बहुत बड़ी राशि होती है, बहुत बड़ा वो अष्टभार स्वर्ण रोज प्रतिदिन देता था। और सूर्य ने कहा कि हे सत्राजित, इसको घर में ले जाना
और बड़े पवित्रता के साथ में रखना। सतराज उस समंतक मणि को लाया, बड़ी पवित्रता से अपने घर में रखा और एक दिन उसके मन में कामना है कि केवल कृष्ण के पास में वैभव नहीं है, वैभव तो मेरे पास में भी है। रोज अष्ट भार सोना देने वाला हमारे पास मणि है और जब मणि को पहनता हूँ तो लगता है कि साक्षात सूर्य ही आए, क्योंकि सूर्य भगवान उसको पहनते थे। एक दिन उसके मन में आया कि चलो मैं क्यों ना मैं भगवान का इसी में दर्शन करूँ और भगवान को दिखा भी दूँ कि मेरे पास भी वैभव है। और वो एक दिन वो मणि पहन करके भगवान के महल में प्रवेश किया और वहाँ पर जो लोग थे उन्होंने सोचा कि शायद भगवान का दर्शन करने के लिए साक्षात सूर्य भगवान आ रहे हैं। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, भगवान को कहना शुरू, संदेश दिया कि संभवतः आपके दर्शन के लिए साक्षात सूर्य आ रहे हैं। भगवान ने विचार किया कि मैंने कहा सूर्य का स्मरण तो नहीं किया, अगर सूर्य का स्मरण किया होता तो वो भी आते, परंतु उनका स्मरण नहीं किया है। उन्होंने देखा कि ये सत्राजित आ रहा है जिसके पास सूर्य का ये मणि है, समंतक पहन करके आया हुआ है। और सत्राजित ने भगवान के महल में प्रवेश किया और भगवान ने उनको एक आसन दे दिया, आसन पर बिठाया और आसन देने के बाद में उनसे वार्ता चली और फिर सत्राजित ने अपने मणि का गुणगान शुरू कर दिया। भगवान ने कहा कि बहुत अच्छी बात है तुम्हारे पास में मणि है, परंतु इसका उपयोग क्या तुम्हें, इसका कुछ उपयोग तो होना चाहिए ना। इसका उपयोग तो उसको है जो शासन करता है, धन का उपयोग व्यक्तिगत नहीं है। सत्राजित के पास एक भाई था और एक कन्या थी, आगे उसका प्रसंग आएगा। तो भगवान ने कहा कि ये मणि का उपयोग तो राजा के पास होना चाहिए, अगर इस मणि को राजा को दो तो अच्छा है, उसका उपयोग होगा क्योंकि उससे लोग सुखी होंगे, राजा के पास में धन आएगा तो लोगों के पास में वो धन का उपयोग होगा, इसलिए इसको आप राजा को दो। तो सत्राजित को लगा कि ये कृष्ण मेरा मणि हरण करना चाहता है और वहां से जैसे आया था वैसे उठ करके वापिस गया। और वापिस जाने के बाद में एक दिन की घटना है और घटना हुई है कि उनका एक सत्राजित का एक भाई है जिसका नाम प्रसेन उसका भाई है और भाई से बड़ा स्नेह करता है सत्राजित। भाई भाइयों में पहले बड़ा कभी स्नेह होता था, अभी भी होता है, अभी भी है, लेकिन अधिक नहीं होता है। जो भाई तब तक एक होते हैं जब तक दूसरी बहन नहीं आती है। नहीं कहीं किसी ने किसी की बहन आ जाती है फिर दोनों भाइयों में थोड़ी थोड़ी धीरे से दूरी हो जाती है। वहां तो एक बहन तो थी सत्राजित, वहां पर उसकी भतीजी थी और उनका एक भाई था जो प्रसेन, उसको उसके मन में आया कि एक दिन मैं शिकार खेलने चला जाऊं क्योंकि गिर का जंगल है, वहां पर बड़ी बड़ी गुफाएं हैं, वहां पर बड़ा अंधेरा होता था, बड़ा घना वृक्ष होते थे वहां पर। और वो अपने भाई को मना न कर सका और उसने विचार किया कि और उसने वो घोड़े पर बैठ करके वो मणि पहन करके वो वन की ओर प्रस्थान किया। और जैसे भगवान सूर्य ने कहा था कि इसकी पवित्रता बनी रहनी चाहिए तो कहीं उससे अपवित्रता हुई होगी और उससे उस मणि का कुछ स्पर्श हुआ होगा और उस कारण से एक वहां पर सिंह आया और सिंह ने उस वहां पर मार डाला और संयोग से वो जो मणि थी वो गले में आई, किसके, वो सिंह के गले में आई और सिंह आ जाने लगा। और एक वहां पर भालू था वृक्ष, भालू ने देखा, बड़ा बलशाली भालू था वो वृक्षराज, उसने देखा कि सिंह के गले में सुंदर मणि है और उसने उस पर झपट्टा मारा और उसको मार दिया, उस सिंह को मार दिया और मणि लेकर के वो भीतर चला गया। इस प्रकार बहुत दिन तक हुआ वो प्रसेन वापिस आया नहीं, उसको चिंता हुई और सत्राजित को लगा कि शायद हो सकता है कृष्ण ने मेरे भाई को मार दिया हो और वो मणि अपने पास रख ली हो, ऐसा कुछ संदेह हुआ।
और संदेह है, उसने अपने घर में कहा कि ऐसा हो सकता है ये उठ ही सके, कृष्ण ने हमारे भाई ने मारी ने और एक सुंदर मणि है तो ये पोते लिदु हसे ले लिया होगा। माताओं को ये थोड़ी बात पचती नहीं है, ये युधिष्ठिर महाराज का अपने माँ को श्राप दिया हुआ था कि माता के गले में वो गांठ नहीं होती है, जो पुरुष के गले में जो गांठ होती है ना वो गांठ नहीं होती है, इसलिए वो बात कोई अंदर रहती नहीं है। एक माता ने दूसरे माता से कहा कि तुमने कुछ सुना है, मैं तो लेकिन किसी को बोलना नहीं, मैं ये बात तुमको ही बोल रही हूँ और किसी को कहना नहीं। और हर माता बोलते मैं ये तुमसे बात कर रही हूँ और किसी को बताना नहीं। कृष्ण ने संभवतः प्रसेन को मार करके मणि को अपने पास में रख लिया है और ये चर्चा सब जगह होने लगी और सब जगह होते होते वो पूरे द्वारिका में वो बात फैल गई कि भगवान कृष्ण ने जो समंतक मणि था उसको चुरा लिया। भगवान पर भी एक कलंक लग गया और कलंक लगने के कारण भगवान ने विचार किया कि उस कलंक को मिटाना चाहिए और जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं इस कर्मों को किसी भी प्रकार से, और कई लोगों का कलंक मिटता नहीं, कई लोग कलंक को मिटाने का प्रयत्न करते हैं, साक्षात भगवान ही ठहरे और उनको तो लीला करनी है, उनको तो लीला के सिवाय कुछ करना नहीं है। भगवान ने विचार किया कि कुछ द्वारकावासियों को ले लिया और द्वारकावासियों को लेकर के उस वन में चले गए और वन में चले जाने के बाद में वहां पर देखा एक बहुत बड़ी गुफा है और पहले देखा उन्होंने कि एक जो उनका जो भाई था प्रसेन वो मरा पड़ा हुआ है, उसके पास में आगे चलते हैं तो उन्होंने देखा कि एक सिंह मरा हुआ है, उसके बाद में देखते हैं कि एक वहां पर सिंह भी मरा हुआ है और वो एक गुफा का प्रवेश द्वार है और गुफा के प्रवेश द्वार में जाकर के देखते हैं तो बड़ी विशाल गुफा है। भगवान ने कहा कि देखो तुम लोग यहीं पर ठहरना और यहाँ पर ठहरना और मैं अंदर जाके देखता हूँ इसके भीतर, परंतु ऐसा करना कि गुफा बहुत लंबी है और मेरी प्रतीक्षा 12 दिन तक करना, अगर 12 दिन तक मैं वापस नहीं आया तो समझ में जाके कि मेरा अहित हो गया है और तुम लोग संदेश दे देना कि ऐसा ऐसा हुआ है। भगवान अंदर प्रवेश करते हैं और 12 दिन हो गए और 12 दिन तक भगवान श्री कृष्ण बाहर नहीं आए और उस जो आए थे उनके साथी वापस वहाँ पुनः चले जाते हैं द्वारिका, और द्वारिका जाने के बाद में उन्होंने संदेश दिया कि भगवान अंदर प्रवेश किए हैं, और भगवान अंदर प्रवेश करते हैं कि देखा कि वहाँ पर एक मणि है और मणि को लेकर के वहाँ पर कुछ बच्चे खेल रहे हैं, वो जामानंद के बच्चे थे और उन्होंने वहाँ पर शंख ध्वनि की और शंख ध्वनि करने के बाद में जामवन के पत्नियों ने कहा कि बेटा तुम बालक हो, यहाँ पर हमारा जो पति है बड़ा दुष्ट है, बड़ा बलिष्ठ है, तुमको मार डालेगा, तुमको क्या चाहिए? भगवान ने कहा चाहिए तो ये मणि के लिए आया हूँ, परंतु ऐसा नहीं ले जाऊँगा मैं। तो कैसे ले जाओगे? बोले जिसने चुरा के लाया उससे ले जाऊँगा। वहाँ पर शंख ध्वनि की और शंख ध्वनि के बाद में वहाँ पर जाम्बुवन जग जाते हैं और वहाँ पर दोनों का युद्ध होता है, बड़ा भयंकर युद्ध होता है और युद्ध होते होते 28 दिन बीत गए। 28 दिनों तक जाम्बुवंत ने भगवान श्री कृष्ण के साथ में युद्ध किया, परंतु जाम्बुवंत अब लगता था कि उसका हड्डी हड्डी टूट रही है, वो बिल्कुल शिथिल पड़ गया था। उसने कहा कि मुझे भगवान से वरदान प्राप्त हुआ था, भगवान श्री राम से, मेरे सिवाय तुमको कोई हरा नहीं सकता है। उसने कहा कि आप स्वयं राम तो नहीं हैं? भगवान ने कहा कि मैं राम तो नहीं हूं, परंतु राम भी मैं था और मैं भी मैं हूं, वही राम मैं हूं और मैं ही राम थे, है ना। चरण में उन्होंने प्रणाम किया, भगवान आदेश दीजिए,
भगवान ने कहा कि मैं ये मणि को लेने आया था, ये मणि को लेना चाहता हूँ। जांबुवंत ने कहा कि ये मणि मैं आपको दान में तो नहीं दूंगा, ये मणि आपको मैं दक्षिणा में दूंगा। बोले दान में और दक्षिणा में क्या अंतर होता है? बोले एक ही तो बात है। बोले मैं दान में अपने पुत्री का दूंगा जामवंती, और उसके विवाह के लिए ये मैं आपको दक्षिणा दूंगा। भगवान ने कहा कि मैं भी तो यही चाहता था, अगर मैं ये मणि को अकेला ले जाता तो लोग विचार करते कि पहले तो चुराया और बाद में ला करके दे दिया, उसके लिए कोई साक्षी होनी चाहिए। साक्षी के रूप से जामवंती को भगवान श्री कृष्ण अपने साथ लाते हैं, और तब तक द्वारकावासी चिंताग्रस्त हैं कि भगवान को 28 दिन हो गए अभी तक वापस आए नहीं हैं। इसलिए उन्होंने उस समय नवरात्रि का समय था, और नवरात्रि के समय में उन्होंने भगवती की आराधना प्रारंभ की कि हमारे भगवान हमारे श्री कृष्ण सुरक्षित वापिस आ जाए। और द्वारकावासी उग्रसेन महाराज उस देव जी देव की वहाँ पर एक यज्ञ कर रहे हैं और भगवती की उपासना कर रहे हैं। हम लोग आज भी क्यों ना थोड़ा सा भगवती का एक सुंदर गीत हम लोग श्रवण करें। अम्बा जी हिच के झूले रे माँ झूले रे आरा सुरगमवा, अम्बा जी हिच के झूले रे माँ झूले रे आरा सुरगमवा, नवरंगा झूले रे झूले रे झूले रे आरा सुरगमवा, नवरंगा झूले झूले रे माँ झूले रे आरा सुरगमवा। झुलावे माँ अम्बान झूलो, देवियो झुलावे माँ अम्बानो झूलो, देवो झुलावे माँ अम्बान झूलो, देवियो झुलावे माँ अम्बानो झूलो, आभे थी फूलड़ा बरसे रे माँ बरसे रे आरा सुरगमवा, अम्बा जी हिच के झूले रे माँ झूले रे आरा सुरगमवा। तुम्हारा माड़ी न रथ नोरण का रथ नोरण कार आओ रण कार विजय काय नथे सांभड़ो, आओ रे रण कार विजय काय नथे सांभड़ो, आ तुम्हारा माड़ी न रथ नोरण का रथ नोरण का आओ रण कार विजय काय नथी सांभळो, हे आओ रे रण कार विजय
जोम रोम जोम रोम जोम रोम जोम रोम जोम रोम जोम रोम जोम धीमो धीमो चाल तो ने मीठो मीठो लागे तो धीमो धीमो चाल तो ने मीठो मीठो लागे तो रण जण की घुघरी नो घेरो घमकार आओ रण तार बीजे क्याये नथी सांभळो आओ रे रण तार बीजे क्याये नथी सांभळो आ तो मारवा ना रखलो रण का रखलो रण का आओ रण कार बीजे क्याये नथी सांभळो आओ रे रण कार पगला पड़ा बाड़ी ना है तजरा कुम कुम ना पगला पड़ा बाड़ी ना है तड़ा जोवा लोको टोणे वड़ा रे बाड़ी तारा आववाना एंधाना थड़ा बाड़ी तारा आववाना एंधाना थड़ा कुम कुम ना पगला पड़ा
मड़ी ना है तो ढड़ा कुमकुम ना पगला पड़ा मड़ी ना है तो ढड़ा जुआ लोगो टोले वड़ा रे मड़ी तारा आव बना इधाना थड़ा गो मड़ी तारा आव बना इधाना थया अपार आनंद अपार भावो भावो नौजार दया दाख विदातार कृपा कर जे अमरंग ऊपर थोड़ी लगार सूरज ना तेज तप्या हलो हलो सूरज ना तेज तप्या चंद्र किरण है ये वजह सूरज ना तेज तप्या चंद्र किरण है ये वजह तार लिया टमटमारे बड़ी तारा आव बना इनाना थया हलो बड़ी तारा आव बना इनाना थया कुमकुम ना पगला पड़ा तू काली ने कल्याणी रे मा त्या जोग माया हे तू काली ने कल्याणी रे मा त्या जोग माया तू काली ने कल्याणी रे मा माया काली ने कल्याणी रे मा तू तो शंकर गिरपट रानी रे मा जा जो त्या जोग माया तू शंकर गिरपट रानी रे मा जा जोग माया तने पेला ते युग मा जाने रे मा तो काली ने कल्याणी मारी मा जा जो त्या जोग माया काली रे कल्याणी रे मा जा जो त्या जोग माया
એવો આપણા મલક માયાળો માનવી પણ મલક ના માયાળો માનવી આપણા મલક માયાળો માનવી આપણા મલક ના માયાળો માનવી એ માયા મેલીને વયા માયા મેલીને વયા જાવો મારા મહેરબાન હાલો ને આપણા મલકમાં માયા મેલીને વયા જાઉં મારા મહેરબાન હાલો ને આપણા મલકમાં હાલો હાલો પ્રેમપુરી મલકમાં મલક માં ઉતારા ઓરડા આપણા મલક માં ઉતારા ઓરડા આપણા મલક માં ઉતારા ઓરડા આપણા મલક માં ઉતારા ઓરડા એ ઉતારા કરી ઘોડે ઉતારા કરી ઘોડે ઉતારા કરી ઘોડે ચડજો માર મહેરબાન હાલો ને આપણા મલક માં ઉતારા કરી ઘોડે ચડજો માર મહેરબાન હાલો ને આપણા મલક માં જારમ મેઘ મલારમ બની બહારમ જલધારા બાદુર ડકારમ મયુર પુકારમ પડિયા તારમ વિસ્તારમ નાનય સંભારમ પ્યાસ પારમ નંદ કુમારમ નીર ક્યારી કહે રાધે પ્યારી મેં બલિયારી ગોકુળયાવો ગિરધારી રે તમે ગોકુળયાવો ગિરધારે એ રાહુલ સરીકો રાજીઓ પ્રગટ મેરું પ્રમાણ આલા જીતારા આલા જીતારા આલા જીતારા હાથ વગાડો જે પટી તારા પગલા વગાડો આલા જીતારા હાથ વગાડો જે પટી તારા પગલા વગાડો આલા જીતારા હાથ વગાડો જે પટી તારા પગલા વગાડો આલા જીતારા હાથ વગાડો જે પટી તારા પગલા વગાડો આલા જીતારા હાથ વગાડો બોલો વંદે માતાજી જય દ્વારિકા વાસીઓને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કે લીએ ભગવતી કી આરાધના કી યહાં પર ભાગવત મેં સ્પષ્ટ લિખા હૈ દુર્ગાં કૃષ્ણોપલબ્ધયે ભગવતી કી આરાધના કી કિસને કિસકે લિયે ભગવાન કે ઉપલબ્ધિ કે લિયે થોડા કમ કરો ભગવતી શક્તિ રૂપા હૈ ઔર ભગવાન ઉસકે પ્રાણ હૈ ઇસલિયે ભગવતી કી ઉપાસના ઔર ભગવાન કી પ્રાપ્તિ કે લિયે કી હૈ और जो पहले से होता आ रहा है आज भी हम लोग उस परंपरा का निर्वाह करते हैं। प्रतिवर्ष हम लोग नवरात्रि पर भगवान का स्मरण करते हैं, भगवती की उपासना करते हैं और फिर जब
शरद पूर्णिमा आती है उस दिन भगवान को स्मरण करते हुए हम लोग नृत्य करते हैं, रास करते हैं, उसको गरबा हम कहते हैं। ये परंपरा चल रही है, आज तक चल रही है, अभी तक चल रही है। और मैं तो समझता हूं कि गुजरात में अधिक अभी भी उस परंपरा का निर्वाह होता है, क्योंकि भगवान का प्रागट्य इसलिए होता है और भगवान का प्रागट्य होने के पश्चात आनंद की प्राप्ति होती है और आनंद ही भगवान का स्वरूप है। इसलिए भी संभवतः इन वस्तुओं के द्वारा जब आनंद की उपलब्धि होती है तो ये परंपरा चल रही है। और जब देखा कि वहाँ पर जैसे ही यहाँ पर यज्ञ की पूर्णाहुति हुई और सामने से देखा कि एक अश्व पर बैठ करके भगवान श्री कृष्ण पधार रहे हैं, सबके मन में बड़ा आनंद हुआ। और आनंद होते ही और देखा, परंतु अकेले तो गए थे परंतु दो दिख रहे हैं, उनके पीछे भी कोई बैठा हुआ है। वो तो यू कहीं नहीं चले खाया करे संसार में बधु चाले। अरे चलो दिवस से विमल चाल से हा? और हमारे देश में कहना है चल जा, चलता है ना, चलवा दो। भगवान वहां पर आए, उन लोगों ने देखा कि भगवान तो अकेले गए थे परंतु उनके पीछे कौन बैठा हुआ है, वो अश्व पर। देखा तो वहां पर एक सुंदरी जामुवंती, वो भी सुंदर है, उसको लाया है भगवान अपने साथ में और वो मणि को भी ले आए। द्वारकावासी अत्यंत प्रसन्न हुए। जैसे आप लोग यहाँ पर भगवान की कथा श्रवण करने के बाद में आपके मन में प्रेम उभरता है, प्रेम प्रकट होता है, उसी प्रकार भगवान का जब प्रागट्य हुआ तो द्वारकावासी आनंदित हो गए और आनंदित होकर के भगवान ने सब कथा सुनाई कि ऐसे ऐसे गए, ऐसे ऐसे लाए और ये उन्होंने मुझे दक्षिणा के रूप से ये मणि भी और दान के रूप से एक कन्यादान भी किया है। और सब लोग आनंदित हो गए। एक तो पहले ही पट्ट रानी थी, एक और आ गई। अब कहा कि कैसे इसको बताया जाए, तो एक सभा को बुलाया गया और सभा बुला करके वहाँ पर राजा उग्रसेन समस्त द्वारकावासी आए और वहाँ पर सत्राजित को आमंत्रित किया। ये सत्राजित देखो तुम्हारा मणि कहाँ प्राप्त हुआ, अभी तुम ले लो इसको। सत्राजित ने विचार किया कि इस मणि को मैं लूंगा तो मेरे प्राणों पर कभी बलि होगी, प्राणों पर बला होगी, इसलिए भगवान मैं इसको आपको, मैं भी दक्षिणा के रूप से मैं इसको अर्पण करता हूँ। ये मेरे जो कन्या है सत्यभामा, इसको आपको मैं प्रदान करता हूँ और साथ साथ में आपको भी मैं ये जो मणि है जो शमंतक मणि आपको दक्षिणा के रूप से मैं प्रदान करता हूँ। भगवान बोले ऐसा करो सत्राजित, ये मणि मेरे पास भी आएगा तो ये कोई उपद्रवी है ऐसा लगता है, इसलिए तुम इसको ले जाओ और जो 8 भार जो सोना होता है ना वो प्रतिदिन मेरे पास दे दिया करो और तुम मनी अपने पास रख लिया करो। भगवान ने कहा कि गाय मैं बांधू और दूध आप पियो। भगवान ने कहा कि और इस प्रकार की भगवान की लीला आगे चली और अनेक विवाह किए। भगवान गए थे इंद्रप्रस्थ और वहां पर इंद्रप्रस्थ में जाते हुए वहां पर गए, कई दिन तक रहे और एक दिन भ्रमण कर रहे थे। वहां एक सूर्य पुत्री उनकी उपासना करती थी, उनको भी उन्होंने अपने पट्टारानी बनाया। और एक बार उज्जैन गए होंगे, वहाँ पर मित्रवृंदा को उन्होंने अपनी पट्टारानी बनाई और एक नग्नजित की राजा कन्या थी और अयोध्या से, उन्होंने उसका नाम सत्या था, उसके साथ विवाह किया। कैकेयी देश में श्रुत कीर्ति थी, उसके साथ में विवाह किया। और अब उधर बड़े बड़े राज्य हुए, कैकेयी देश में भी गए तो मध्य प्रदेश में भी आए जहाँ से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी, वहाँ पर आए और वहाँ पर आकर के एक सुलक्षणा नाम की कन्या थी उसके साथ में विवाह किया और ऐसी 8 पट्टरानी भगवान की हुई, अष्टधा प्रकृति। भूमिरापो नलो वायु कम मनो बुद्धिदेव च अहंकारम इति यम मे भिन्ना
प्रतिष्ठा। भगवान ने आठ पटरानी, भगवान से भिन्न है ही नहीं, पंचतत्व ये मन बुद्धि अहंकार सब परमात्मा की वृत्तियां है, ऐसी आठ पटरानियों को उन्होंने स्वीकार किया और आठ पटरानियों के साथ साथ में उन्होंने विचार किया। और कहते हैं कि एक बार की बात है, भगवान को संदेश प्राप्त हुआ, इंद्र ने कहा कि भगवान मेरे माता का कुंडल और मेरा छत्र एक भवनासुर का एक नाम का राक्षस है वो लेके चला गया है। भौमासुर भूमिपुत्र है और वो बड़ा बलशाली है, उसने एक ऐसा दुर्ग बना रखा हुआ है जिसको किला बोलते हैं। और इंद्र ने कहा कि भगवान मेरे माँ के कुंडल और मेरा छत्र, और छत्र के बिना राजा होता नहीं है, छत्र हो ना, अभी आजकल के बिना छत्र के राजा ज्यादा है, राजा तो कोई है ही नहीं। पहले मैंने पहले भी कहा था ना कि सब मंत्री है, राजा कोई नहीं है। तो इंद्र ने कहा कि, और भगवान ने सत्यभामा को अपने साथ में रख लिया और गरुड़ पर सवार होकर के उस जगह पर जाते हैं। उसने बड़ा भारी दुर्ग बना रखा था और दुर्ग बना करके वहां पर रहता था और उसकी रक्षा के लिए बड़े बड़े राक्षस वहां पर, एक पांच मुख का एक राक्षस था। भगवान ने देखा, भगवान जब गए उसने भगवान पर अनेक अनेक जो अग्नि अस्त्र थे उस समय भी तोप का वहां पर भी वर्णन आता है, और उसने बहुत प्रकार से भगवान पर प्रहार किया। भगवान ने अपना सुदर्शन निकाला और वो पांच मुख वाला जो राक्षस था, दैत्य था, उसका नाम था मूर। मूर दैत्य को वहां पर उसके पांचों के पांच उसके सिरच्छेद कर दिए। और भगवान ने कहा कि ये बेचारा मर गया है, इसको भी नाम धारण करना चाहिए। तो भगवान ने एक नाम धारण किया, श्री मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, मुरारे बोलना चाहिए कि वो संबोधन है। हम लोग कभी कभी भजन में बोलते हैं कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी बोलते हैं, वहां पर मुरारे कहना चाहिए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, मुरारे हे मुरारे। भगवान को हम लोग स्मरण करते हैं। उस मूर दैत्य को उन्होंने अपना स्वरूप दे दिया, अपना नाम दे दिया। और भगवान भीतर जाते हैं और देखा कि वहां पर जो दैत्य हैं भौमासुर, उसका भी वध करते हैं। और उसके वध करने के बाद में भगवान जब वापस आने लगते हैं, जो अदिति का कुंडल और इंद्र का छत्र लेकर के आते हैं, तब तक उनको पता लगता है कि जो भौमासुर नाम का जो दैत्य था उसने 16,000 राजकन्याओं को अपने यहां पर बंदी गृह में बना लिया था। भौमासुर उसने अपने उस कैद खाने में उसने 16,000 राजकुमारियों को बंदी बनाया था और भगवान ने उनका सबको उनको बंधन मुक्त कर दिया। उन्होंने कहा कि जहां तुम्हें जाना हो, तुम्हारे माता के पिता के पास तुमको जहां जाना हो, मैं उसकी सब प्रबंध करता हूं। उन राजकुमारियों ने कहा कि भगवान हम यहां पर इतने दिन रहे, यद्यपि हम शुद्ध हैं, यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम कहते हैं, यद्यपि हम शुद्ध हैं, वो जो भौमासुर था उसको केवल इतना ही होता था कि राजकन्याओं को लाऊं और यहां पर बंदी घर में बनाऊं, उसने हमारे साथ में किसी प्रकार का कोई दुर्व्यवहार नहीं किया, हम बिल्कुल निश्चल हैं, हम लोग बिल्कुल पवित्र हैं, परंतु हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा। समाज की बहुत ही बड़ी पहले से चला रहा है ये प्रकृति है। आजकल बहुत सी बातें होती हैं। एक बार एक समाज के संत थे, नाम लेने में कोई हर्ज नहीं है, जैन समाज के, हम लोगों की कुछ सभा चल रही थी और अपने यहाँ पर घर वापसी बोलते हैं ना, कोई बाहर गया हो तो उसको घर वापसी हमारे यहाँ पर होती है। वो समाज के संत ने कहा कि हिंदू समाज में ऐसा होता है क्या, जो लड़की कहीं जाए और उसको वापस ले सकते हैं? हमारे यहाँ हैं, भगवान कृष्ण के समय से हैं। उसने कहा कि हमारे यहाँ नहीं है, गई सो गई। अरे वो तो एक उसके मन, उसका भी एक मन है,
वो भी एक शरीरधारी है, जीवात्मा है और साक्षात वो हमारे जैसे आपके जैसे हैं, इस समाज में चाहे पहले से चला रहा है। और उन कन्याओं को ने कहा कि अब ना मुझे, हमें ना हमारे माँ बाप स्वीकार करेंगे, ना हमारा परिवार स्वीकार करेगा, ना हमारा समाज स्वीकार करेगा, हम आपकी शरणागति को प्राप्त होना चाहते हैं। भगवान ने कहा तो मैं तो यही तो चाहता हूँ। भगवान ने सभी की सभी 16,000 कन्याओं को वो द्वारिका लाते हैं, और द्वारिका लाने के बाद उनके लिए 16,000 महल की तैयारी होती है और 16,000 मंडप बनते हैं, और 16,000 मंडप बनने के बाद में भगवान स्वयं 16,000 रूप से प्रकट होते हैं, और भगवान स्वयं उन 16,000 राजकन्याओं के साथ में प्राणी ग्रहण करते हैं। भगवान जो भगवान को स्वयं अपने आप को अर्पण हो जाता है, भगवान की शरणागति प्राप्त करता है और भगवान उसको स्वीकार करते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने 16,008 कन्याओं के साथ में विवाह किया। लोग बोलते हैं कि ये है बात क्या, ये हम लोगों को कुछ समझ में आता नहीं है। कहते हैं कि ये 16,008 ये भगवान की रानियां तो हैं, परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से जो वेदों में 1,00,000 मंत्र हैं, उसमें से 80,000 मंत्र कर्मकांड के हैं। आप लोग जो यहाँ कर्मकांड कर रहे हैं ना, 80,000 मंत्र कर्मकांड के हैं और 4,000 मंत्र ज्ञान कांड के हैं। शेष कितने बचे? 16,000। और 16,000 ये भगवान की स्तुति करने वाली भक्ति के प्रमाण से, ये श्रद्धा के प्रमाण से, ये भगवान की ये जो भक्ति रूपी यहाँ पर ऋचाएँ हैं, उन ऋचाओं को भगवान अपनाते हैं। और इसी प्रकार भगवान ने उनको ऋचाओं को अपनाया है, और भगवान का आगे बड़ा सुंदर उनका विवाह का जो सबके साथ में रहते हैं। और नारद जी वहाँ पर गए, नारद जी ने देखा कि भगवान किस प्रकार इनके सबके साथ में रहते होंगे, और उन्होंने दिनचर्या देखी, और दिनचर्या देखने के बाद में अंत में पता लगा कि भगवान तो भगवान ही है, वो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम है इस प्रकार का। और फिर बलदेव जी कुछ समाचार लेने के लिए ब्रजगमन करते हैं, और अनेक कथाओं के साथ साथ में यहाँ पर और पुनः सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि एक बार की बात है कि भगवान अपने यहाँ पर अब थोड़ा सा शांति प्राप्त हुई है, भगवान विराजमान हैं। और भगवान क्या करते हैं उसका यहाँ पर थोड़ा सा उदाहरण दिया है। भगवान की दिनचर्या क्या है, जैसे हमारी दिनचर्या होती है कि हम लोग प्रातःकाल उठते हैं, अपने नित्य क्रिया करते हैं, और नित्य क्रिया करने के बाद में कोई घूमने जाते हैं, कोई फिरने जाते हैं, कोई अभ्यास करते हैं, कुछ लोग जो भी अपनी उनकी प्रक्रिया हो। भगवान क्या करते हैं इस विषय में यहाँ पर सुखदेव जी महाराज कहते हैं, ब्राह्मे मूर्त उत्थाय, ब्रह्म मुहूर्त में भगवान उठ जाते हैं। वायुर्स्पृश्य माधव, भगवान ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और थोड़ा सा वहां पर जल का स्पर्श करते हैं, मुंह धो लेते हैं। दध्यो प्रसन्न करण, फिर उस समय अपने आप को सचेत करते हैं कि विश्राम हो गया है, और उसके पश्चात आत्मानं तमसः परम, भगवान ध्यान करते हैं। ये हमारे और आपके लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। हमारे यहाँ पर परंपरा होती थी, यहाँ पर ये आप लोगों के यहाँ पर 6 बजे पूजा करनी होती है, ये ब्राह्मण बालक कितने बजे उठते होंगे, यही नहीं उनका नियम है। वो जहाँ जहाँ रहते हैं, अपने गुरुकुल में रहते हैं, वहाँ पर कितने बजे उठते हैं? 4 बजे। 2 बजे तक रात्रि 2 बजे तक वो राक्षस काल होता है, इसलिए 2 बजे तक तो नहीं जगना चाहिए। जग भी गए हैं तो अपना कोई दूसरा कार्य करता रहे। आजकल तो लोग 2 बजे के आसपास सोने जाते हैं, लोग जाते होंगे, ऐसे लोग बहुत से लोग कहते हैं, मैं बिना कही हुई बात नहीं कहता हूँ, सुनी हुई बात कहता हूँ,
तो लोग पता नहीं कब सोते हैं कब जगते हैं, परंतु भगवान की बात हम करते हैं, भगवान ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। दध्यो प्रसन्न करण, प्रसन्न करण का मतलब है कि उस समय सचेत हो जाते हैं, जल का स्पर्श करते हैं और भगवान उस समय ध्यान में बैठते हैं। और क्या ध्यान करते हैं? आत्मानं तमसः परम, अपने तत्व को अपने में ही वो ध्यान करते हैं। भगवान ध्यान किसका करते होंगे? भगवान अपना ही ध्यान करते हैं, आत्मा का ध्यान करते हैं, वो स्वयं ज्योति का ध्यान करते हैं। और ध्यान करने के पश्चात प्रातःकाल जब हो जाती है, फिर उसके बाद में स्नान करते हैं, निर्मल वस्त्र धारण करते हैं, और वस्त्र धारण करने के बाद में वो अपने इष्ट की पूजा भी करते हैं। ऐसा नहीं समझना कि कोई वेदांत श्रवण कर लिया और ये सब मिथ्या है, ये सब मिथ्या है, ये श्रवण मिथ्या है, ये नहीं। जब तक आपको पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति न हो, तब तक आप अपनी साधना नहीं छोड़ना, तब तक भजन नहीं छोड़ना, तब तक आपका जप नहीं छोड़ना, व्रत नहीं छोड़ना, जब तक आपको पूर्णत्व की प्राप्ति न हो। जो भगवान करते हैं अपने इष्ट का, और उसके पश्चात पूजन होने के बाद स्वयं तिलक करते हैं, स्वयं श्रृंगार करते हैं, अपने वस्त्र आभूषण पहनते हैं, और उसके बाद में बाहर आते हैं, और जो भी अपने पास में है, जो ब्राह्मण वहाँ पर जो गाने वाले, जो उनकी गुणगान करने वाले, ऐसे जब लोग आते हैं उनको दान दक्षिणा देते हैं। भगवान ये हमारे लिए ये परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं। यद्यपि भगवान के लिए कर्तव्य शेष नहीं है, उसके लिए क्या कर्तव्य शेष है, फिर भी वो मनुष्य रूप से उन्होंने अवतार ग्रहण किया है, इसलिए मनुष्य के कर्तव्य को वो पूर्ण रूप से निभाते हैं, और उस प्रकार अनेक अनेक मंगल वस्तुओं को प्रदान करते हैं। और उसके बाद में वो अपनी मुखाकृति देखते हैं, किसमें देखते हैं? घृत में। जो घृत होता है उसमें अपनी मुखाकृति को देखते हैं, क्योंकि घी में मुखाकृति, घी शुद्ध घी जो है वो जो हमारा जो दूध होता है उसका बिल्कुल सार होता है, जो घृत होता है, और भगवान भी सार रूप से है। तो भगवान अपनी मुखाकृति कहाँ देखते हैं? वो घी में देखते हैं। और घी में देखने के बाद में जो जो वस्तुएं सबको बांटने के बाद में पहले दूसरे को देते हैं, और फिर उसके बाद में अपनी अपने योग्य अपने लिए जो उपयोग वाली वाली वस्तु हैं वो अपने पास में रखते हैं, और उसके बाद काम काज में लग जाते हैं। भगवान ये नहीं कि काम नहीं करते हैं, केवल ध्यान में लगा रहते हैं या केवल इधर उधर की बातें करते हैं, फिर अपने कार्य के लिए कि ये राज्य काज कैसे चल रहा है, और वहाँ एक सुधर्माख्याम सभा सर्वे, वहाँ पर सुधर्मा नाम की एक सभा है जहाँ पर ये छह उर्मियाँ नहीं आती है। वहाँ कोई शोक नहीं है, कोई भूख नहीं है, कोई प्यास नहीं है, कोई मोह नहीं है, किसी प्रकार का आलस्य नहीं है। इस प्रकार ऐसी सभा में जाकर के बैठते हैं, और बैठने के पश्चात देखते हैं कि राजकाज तो ठीक चल रहा है ना, किसी को कोई कष्ट तो नहीं है। राजा वही होता है जो जनता का हित देखता है, और भगवान उस सभा में जाकर के फिर सबके पास में पूछते हैं कि अपने अपने राज्य में किसी को कष्ट तो नहीं है। और उस सभा में बैठे हुए थे भगवान श्री कृष्ण, सभी लोग बैठे हुए थे, और उसी समय तत्रहे का पुरुषो राजन नागतो पूर्वदर्शनः, एक वहां पर मनुष्य आया, एक व्यक्ति आया, पहले उसको वहां पर कभी किसी ने देखा नहीं था, अनजान व्यक्ति आया, और अनजान व्यक्ति ने आकर के कहा विज्ञापितो भगवते प्रतिहारो प्रवेशितः। जो प्रतिहारी थे, जो वहां के चौकीदार थे, उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा व्यक्ति आया है, उसको आपको मिलना चाहता है, क्या उसको अनुमति हम दे देवे? भगवान ने कहा कि आने दो। भगवान के पास वो व्यक्ति आता है, और भगवान पूछते हैं कि बताइए क्या कारण से आप आए हैं? उन्होंने कहा कि भगवान जरासंध के कारागृह में 20,800 राजा
वहाँ पर बंदी हैं और उन्होंने मुझे संदेश लेके भेजा है कि वर्तमान में भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य हुआ है और वो संपूर्ण बल वाले हैं, संपूर्ण ऐश्वर्य वाले हैं। तो हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप आए और हमको यहाँ से छुड़ावे, और तब तक आकाश मार्ग से नारद जी का आगमन होता है। बड़ा दिव्य स्वरूप है। उस समय कहते कहते राजदूते बृहत्तेवम देवर्षिर परमद्युति, तेज स्वरूप वाले नारद जी वहाँ पर प्रकट होते हैं। और नारद जी प्रकट होते हैं और नारद जी बोलते हैं कि भगवान एक संदेश लेके आया हूँ। एक मनुष्य संदेश लेके आया था, उसकी भी सुनी। अब नारद जी क्या संदेश लेके आए हैं? नारद जी ने कहा कि आपके परम भक्त पांडव राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं। तो पहले किसकी बात सुननी चाहिए? जो पहले वाला आया था व्यक्ति, उसकी बात सुननी चाहिए कि नारद जी ने कहा कि कौन सी बात सुननी चाहिए? तो उस समय उसका निराकरण नहीं हो रहा था। उसके लिए उन्होंने पूछा कि उद्धव जी इस बात को बताएं कि हम लोग क्या करें पहले। उद्धव जी ने कहा कि भगवान ऐसा कि एक पंथ दो कहा था, एक पंथ से दो काम करना चाहिए। बोलते ना कि एक तीर से, ये आजकल की भाषा है, यहां शिकार तो करना नहीं किसी का, एक पंथ दो काज, उसी से हो सकता है। आप जो संदेश आया है वो भी कार्य हो सकता है और साथ साथ में यज्ञ कर्म भी हो सकता है। इसलिए अपने को पहले, क्योंकि आपका यज्ञ आपका स्वरूप है, यज्ञो वही विष्णु, यज्ञ आपका स्वरूप है, इसलिए प्रथम वहां जाना चाहिए और वहां जाने के बाद में दूसरा भी कार्य संपूर्ण होगा। इसलिए हम लोग पहले इंद्रप्रस्थ चले, जहां पर युधिष्ठिर महाराज ने यज्ञ का आयोजन किया है, क्योंकि उद्धव जी महाराज तो साक्षात बृहस्पति के शिष्य हैं, बुद्धिमान हैं और भगवान के मंत्री भी। ऐसे पहले हम लोगों ने सुन चुके हैं हम लोग। और भगवान ने कहा कि चलो हम लोग इस इंद्रप्रस्थ चलते हैं, और भगवान इंद्रप्रस्थ पधारते हैं। और इंद्रप्रस्थ पधार करके वहाँ पर भगवान ने वहाँ पर पूछा कि हे युधिष्ठिर महाराज, जो आप राजसु यज्ञ करने वाले हैं उसकी सब विधि विधान संपूर्ण पूर्ण हो गया है। ऐसे जो यज्ञ होते हैं ये राजसी यज्ञ होते हैं, सामान्य जो बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, वाजपेयी आदि यज्ञ होते हैं वो ब्राह्मणों के यज्ञ होते हैं, ये अश्वमेध यज्ञ आदि ये राजाओं के यज्ञ होते हैं, और उसमें सर्वोच्च यज्ञ है राजसु यज्ञ। क्योंकि पहले अश्वमेध यज्ञ हो चुका था, आप राजसु यज्ञ करने जा रहे हैं, परंतु राजसु यज्ञ में कुछ विधान होता है, संपूर्ण पृथ्वी को जीतना होता है। जब तक संपूर्ण पृथ्वी के राजा अधीन न हो तब तक आप राजसु यज्ञ कर नहीं सकते हैं। और भगवान ने कहा कि आपने संपूर्ण पृथ्वी को तो जीत लिया होगा शायद। युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि सबको तो हमने जीत लिया है, एक ही बलशाली राजा है जिसको हम अभी तक नहीं जीत पाए हैं, वो है जरासंध। भगवान ने कहा कि बाकी राजाओं के लिए तो भेज दो लोगों को, और हम लोग, मैं अर्जुन और भीम जरासंध के यहाँ पर जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने, वो तो सभी कुछ है, वो तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब वही है, उन्होंने ब्राह्मण का वेश धारण किया है। और भीम को भी कहा कि तुम भी ब्राह्मण बन जाओ, अर्जुन को भी ब्राह्मण बना दिया, उन्होंने सुंदर वेश धारण किया, जैसे हमारे भास्कर जी का है ना, यहाँ पर श्वेत वस्त्र, सुंदर वस्त्र धारण किए, बड़े बड़े जनेऊ पहन लिए और चल दिए कहाँ, मगध के लिए चल देते हैं। और मगध में जब पहुँचते हैं, और मगध में कहा कि वहाँ प्रवेश होता है, और मगध में जब प्रवेश होता है तो वहाँ के जो प्रत्याहारी हैं, वहाँ के जो चौकीदार हैं, उसको बोलते हैं कि राजा को बोलो कि कुछ ब्राह्मण आए हैं याचना को लेकर के। ऐसे जो जरासंध था वो ऐसा नहीं था कि ब्राह्मण का द्वेषी नहीं था, वो ब्राह्मण का बड़ा भक्त था। पहले के लोग चाहे वो राक्षस होते थे परंतु वो निरर्थक
किसी को भी कष्ट नहीं देते थे, अपने कुछ उनको स्वार्थ के लिए, उनके स्वार्थ की कोई आड़े आता था फिर उनको नहीं छोड़ते थे, परंतु वहाँ पर वो सम्मान करता था ब्राह्मणों का। उसने कहा कि ब्राह्मण आया तो उनको अंदर बुला लो, और ब्राह्मण अंदर आते हैं और उस समय ब्राह्मणों को बोलते हैं कि आपको क्या चाहिए। जीवता ब्राह्मणार्थ कौनर्थ क्षत्रबंधुना, बोलते हैं कि आप, ऐसा लगता है कि आप लोग यहाँ पर आए हैं, आपको क्या चाहिए। भगवान ने कहा कि आप तो बहुत उदार हैं, और आप जो ब्राह्मण मांगते हैं, जो याचक मांगते हैं, सब कुछ आप दे देते हैं, परंतु हम वैसे ब्राह्मण नहीं हैं जो आप जिसको विचार करते हैं, वैसे हम ब्राह्मण नहीं हैं कि हम कुछ भिक्षा लेंगे, कुछ गौ लेंगे, एक आध घर की बात करेंगे, फिर उसके बाद में कुछ भूमि चाहेंगे, ऐसे ब्राह्मण नहीं हैं हम तो। उस समय भगवान कहते हैं कि हम तो आपसे युद्ध की, आप अगर देना चाहें, आप अगर संकल्प करते हैं तो आपसे युद्ध की भिक्षा चाहते हैं। जरासंध ने कहा कि आप है कौन, मुझे तो लगा था कि कोई पहचानी हुई शक्ल लग रही है, कौन हो। भगवान कृष्ण अपना परिचय देते हैं कि मैं वसुदेव पुत्र कृष्ण हूँ, और ये भीम है, और ये अर्जुन है, हम लोग आपसे युद्ध की भिक्षा लेने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। जरासंध ने कहा कि जब मैं तेरे पास आया था युद्ध करने के लिए तो तू तो पलायन कर गया था, रण छोड़ के चला गया था, अब तुमसे मैं क्या युद्ध करूं। अब रहा ये जो दुबला पतला सा छोकरा है, कौन, अर्जुन, अर्जुन सुंदर है, लंबा चौड़ा, परंतु वो ऐसे पहलवान नहीं होते हैं, वो तीर चला सकता है, परंतु मेरे साथ में युद्ध करने की अगर किसी में थोड़ी सी क्षमता है वो है भीम। भगवान ने कहा कि भाई हम लोग तो कोई अस्त्र शस्त्र लेके नहीं आए हैं, और सायंकाल वहाँ पर रहे, वहाँ पर भोजन पानी साथ में किया, और कहे कि यहाँ पर युद्ध कहाँ होगा, यहाँ पर सुंदर कोई आप कोई ऐसा रंगमंच बनावे जहाँ पर गदा युद्ध हो, परंतु हमारे पास गदा भी नहीं है, गदा भी आपको देनी पड़ेगी। उसने जरासंध ने कहा कि गदा भी मैं दे दूंगा, चलो युद्ध। और दूसरे दिन वहाँ पर एक सबके सामने वहाँ पर बता दिया गया कि आज भीम आए हैं, कृष्ण आए हैं, अर्जुन आए हैं, और जरासंध के साथ में युद्ध करना चाहते हैं, रंगभूमि बनी है, और रंगभूमि में युद्ध प्रारंभ हुआ। दोनों के पास में गदाए हैं, गदा युद्ध शुरू हुआ, और गदा युद्ध शुरू होते होते वो सायंकाल बीत गई, परंतु कोई परास्त नहीं हुआ। जैसे ही सायंकाल हुई, सूर्यास्त हुआ, वो युद्ध समाप्त हुआ, और सब की सब लोग आकर के राजमहल में आए और उन्हें साथ साथ में भोजन किया। वो युद्ध की बात वहां तक समाप्त, वैर समाप्त, वैर है ही नहीं कुछ, वहां तो प्रतिद्वंदिता है, कौन बड़ा कौन शक्तिशाली। पुनः वापिस आए, चर्चा कर रहे हैं, रात्रि काल हुआ और पुनः प्रातः काल में युद्ध प्रारंभ हुआ। ऐसे होते होते लगभग लगभग 28 दिन बीत गए, कोई किसी से परास्त होने वाला नहीं है। भीम ने कहा कि भगवान कब तक मार खिलाओगे हमको, अब तो हमारी हड्डियां पसलियां जो है वो दुखने लगी है, अब तो मैं पसंद नहीं कर सकता हूँ आपके कहने से, मैंने तो ये तो बड़ी बड़ी गदा खा खा करके मेरा तो शरीर बिल्कुल ऐसा हो गया है कि अब दर्द के मारे कभी कभी मैं ऐसा दबाने लगता हूँ, अब इसका कुछ निवारण करो। भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम तो जो युद्ध करते हो तो मेरी तरह तो देखते नहीं हो, तुम देखते हो किसको, जरासंध को। जब जरासंध को देखोगे तो वहां से कुछ निवारण होने वाला नहीं है, कभी मेरे तरफ भी दृष्टि डाला करो। इसलिए भगवान कहते हैं कि स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य, हम लोग युद्ध करते करते इस संसार में रहते रहते कभी कभी भगवान की तरफ भी अगर देखेंगे तो अपने को कोई ना कोई रास्ता निकाल के देंगे। 28वें दिन भगवान वहाँ पर साक्षी के रूप से हैं, युद्ध प्रारंभ हुआ, और युद्ध प्रारंभ होने के बाद में दोनों एक दूसरे के गदाओं से प्रहार कर रहे हैं, और भीम ने भगवान की तरफ देखा और भगवान ने इशारा किया, एक वहाँ पर छोटा सा तिनका पड़ा हुआ था, तिनके को उठा करके उन्होंने दो भाग में डाल निकाल उसको फाड़ दिया और उसको इधर फेंक दिया।
भीम समझ गया कि हमको क्या करना है। उसने भीम ने पहले तो उसको नीचे पटक दिया और पटक करके एक पैर कर अपना एक पैर रखा और दूसरे पैर को दूसरे हाथ से पकड़ लिया और उसको दो भागों में हार दिया। थोड़ी देर के बाद में फिर वो दोनों भाग जब जुड़ गए, कहा कि इतने 28 दिन के बाद तो मैं सफलता प्राप्त किसको मारने के लिए, और ये फिर जुड़ गया, अब इसका कारण क्या है? भगवान ने कहा कि तुमने ठीक से मेरे को देखा नहीं है, ठीक से दृष्टि रखो, सूक्ष्म दृष्टि होनी चाहिए, क्योंकि वो जरा नाम की राक्षसी थी, ये जो दो भागों में पैदा हुआ था और उस जरा नाम की राक्षसी ने उसको ये किया था, इसलिए उसका नाम जरासंध पड़ा था। भगवान ने कहा कि अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, और दूसरी बार भगवान ने कहा कि वही इसी प्रकार वो जो तिनका था, वो जो किसी वृक्ष की डाली थी उसको तोड़ा और एक हाथ से, एक हाथ वाले दाहिने हाथ वाली जो तिनका था वो बाएं ओर फेंका, और बाएं ओर वाला जो तिनका था वो दाहिनी ओर फेंक दिया, और उसी प्रकार दूसरी बार पुनः भीम ने एक पैर के नीचे उसका पैर दबा दिया और दूसरे हाथ से उसे दूसरी टांग पकड़ ली और उसको दोनों तरफ फिर से फाड़ दिया, और एक भाग को दाहिनी ओर फेंक दिया, दूसरे भाग को बाई ओर फेंक दिया। उसके बाद में उसके प्राण पखेरु उड़ गए और सब वहाँ पर हाहाकार मच गया कि जरासंध की मृत्यु हो गई, जरासंध की मृत्यु हो गई। और उस समय जरासंध का एक छोटा सा पुत्र था जिसका नाम था सहदेव। भगवान ने कहा कि अब सहदेव उनके शरणागत हुआ, और शरणागत होने के बाद में वो उस जरासंध का उत्तराधिकारी सहदेव को बना दिया, और सहदेव को बनाने के बाद में भगवान जो दूसरा कार्य था, जो कार्य था जो वहाँ पर 20,800 राजे वहाँ पर बंदी गृह में थे, वहाँ पर गए भगवान, उनको सबको छुड़ाया, उनको स्नान करवाया, उनको वस्त्र दिए, और उनको वस्त्र देने के बाद में उनसे कहा कि आप लोग अभी आपको जहाँ जाना हो आपके राज में। उन्होंने कहा हम लोग कितने पहले तो राजा थे, बाद में हम बंदी गृह में आए, यहाँ अनेक अनेक प्रकार की यातनाएं हम लोगों ने सहन की, और उन्होंने भगवान की प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की? कृष्णाय वासुदेवाय, हम लोग रोज मंत्र कहते हैं, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। उन राजाओं ने ये प्रार्थना की, हे भगवान अब तो हमें संसार से विरक्ति हो गई है, आप तो हमें शरणागत स्वीकार करो, हम लोग आपके शरणागत हैं। इस प्रकार भगवान को उन्होंने बार बार नमस्कार किया, और भगवान पुनः वापस लौट के आ जाते हैं, और अब युधिष्ठिर महाराज से कहा कि अब युद्ध आप जो है राजस्व यज्ञ को आप प्रारंभ करो। तब तक तैयारी हो चुकी थी, राजस्व यज्ञ वहाँ पर बड़ा सुंदर मंडप लगा हुआ था, यज्ञ मंडप लगा हुआ था, वहाँ पर सुंदर सुंदर स्थान बने हुए थे, अनेक राजाओं को बैठने के स्थान बने थे। और उसी समय पर वहाँ पर जब यज्ञ का प्रारंभ होना है तो पहले का एक परंपरा थी, जब कोई भी श्रेष्ठ कार्य हो तो वहाँ पर किसी योग्य व्यक्ति का वहाँ पर पूजन हुआ करता था, उसको अग्र पूजन बोलते हैं। वहाँ पर ये कहा कि अग्र पूजन किसका हो, वहाँ पर बड़े बड़े ऋषि महर्षि भीष्म पितामह द्रोणाचार्य अनेक अनेक महान विद्वान बड़े बड़े योद्धा बैठे हुए थे, और उस समय अग्र पूजा किसकी हो, तो कोई 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 किसी को बोले, कोई किसी को बोले, किसी की होनी चाहिए, किसी की होनी चाहिए, परंतु वहाँ पर जो सहदेव जो जरासंध का पुत्र था उसको भगवान की महिमा का पता था, उसने अभी अभी महिमा देखी थी, उसने कहा कि अगर इस सभा में कोई श्रेष्ठ पुरुष है जिसकी अग्र पूजा होनी चाहिए वह भगवान श्री कृष्ण है। सब लोगों ने उसका समर्थन किया, सब लोग उन्होंने कहा कि ये जो छोटा सा बच्चा है ये ठीक कह रहा है, इसको सही सही पता है, बालक झूठ नहीं बोलते हैं, जो बच्चे होते हैं ना
उनके मुख से झूठ कम निकलता है। उसको हम ही सिखाते हैं कि झूठ कैसे बोलना चाहिए। तो झूठ कैसे बोलना शुरू करता है बालक, पहले फोन आता था, आजकल तो मोबाइल पर आता है, पहले नीचे होता था फोन जो लैंडलाइन, और पहले वाले लोग बोलते थे किसी का फोन आया तो माँ कोई पिताजी बोलते थे कि उनको बोलो कि पिताजी घर में नहीं है, झूठ बोलने की शुरुआत हुई। परंतु बालक बड़े सरल हृदय होते हैं, एक बार किसी का फोन आया और फोन आने के बाद में और पिता ने कहा कि उनको बोलो कि पिताजी घर में नहीं है, बालक बोलता है कि पिताजी बोल रहे हैं कि पिताजी घर में नहीं है। होता नहीं कभी कभी, हम झूठ बुलाने की हम परंपरा अपने यहाँ से डालते हैं। परंतु ये अभी बालक जो सहदेव है, उसने भगवान का चरित्र देखा था, उसने कहा कि इस योग्य अगर कोई है तो वो पूर्ण अधिकारी भगवान श्री कृष्ण है, और सब लोगों ने उसका समर्थन किया। और भगवान कि वहाँ पर एक भगवान का एक द्वेषी बैठा हुआ था जिसका नाम था शिशुपाल। जब शिशुपाल का जन्म हुआ था उसके चार भुजाएं थी, राक्षस जैसा दिखता था। उसके माँ ने कहा कि तो वहाँ पर ब्राह्मणों ने कहा कि जिस दिन ऐसे पुरुष का जन्म होगा यहाँ पर और वो यहाँ पर इसको दर्शन देने आएगा और इसकी दो भुजाएं जब चली जाएगी, समझ लेना कि उससे उसकी मृत्यु होगी। एक बार भगवान श्री कृष्ण वहाँ पर पहुँच गए थे और वहाँ पर वो दो भुजाएं थी अलग से, वो तो वहाँ पर चली गई। उसके माँ ने प्रार्थना की कि हे कृष्ण मेरे पुत्र को मारना नहीं। भगवान ने कहा कि ऐसा है कि जो होना होता है वो निश्चित है, परंतु कुछ शर्त हो तो बताओ। इसके मैं 100 गाली तो सहन कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। वो जो शिशुपाल वहाँ पर बैठा हुआ था उसने धीरे धीरे भगवान के प्रति अपशब्द कहना शुरू कर दिया, और अपशब्द कहते कहते उसने कहा कि ये तो वैसा है, तो वैसा है, तो वैसा है। अनेक गालियाँ होने के बाद में, यहाँ तो गालियों का किस किस अपशब्द को यहाँ पर प्रयोग किया यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि वो बड़ा व्यथित था। जो अभी इतनी सुंदरी कन्या से जिसका विवाह होने वाला हो और तैयारी हो, वरमाला की तैयारी थी ना, वहाँ से आती वरमाला हो जाती और उसका हरण हो गया हो, और जिसने हरण किया हो उसके साथ में क्या उसकी मित्रता होगी क्या? स्वाभाविक वैर होने के कारण वहाँ पर उसके साथ में कहा कि ये तो बड़ा दुष्ट है, ऐसा है, ऐसा है, वेद के विरुद्ध काम करता है, इसका कोई वर्ण नहीं, कोई इसकी कोई जाति नहीं, ये तो निम्न वर्ग का है, ऐसा ऐसा अनेक अनेक अपशब्द कहे। और अपशब्द करने के बाद में उसने सबने कहा, तो अब गालियाँ हुई भगवान ने, उसको पता नहीं था कि पहले उसके माने का किसी को अपशब्द नहीं कहना, वो कहता नहीं था, लेकिन जो व्यक्ति व्यथित हुआ, दुखी हुआ, और दुख के बाद में कुछ अपशब्द निकलते हैं, और ऐसे होते होते 100 गाली के आसपास जब पहुंच गया तो भगवान ने कहा कि चिताया, हे शिशुपाल अब भी सावधान हो जाओ, और किसी को सावधान करो ना तो और उत्तेजित होता है। उसने और जोर जोर से गालियां शुरू कर दी, और तब तक जब भगवान का अपमान होने का होते देखते हुए वहां के जो लोग थे, जो राजा आए थे, वो भी उसके लिए मारने के लिए वहां पर तैयार हुए, परंतु भगवान ने कहा कि नहीं, इसको इसका जो है वो पूरा होने दो। और उसके बाद में जैसे ही सभी गाली आई उस समय भगवान का सुदर्शन चक्र वो घूमने लगा, और जैसे ही घूमने लगा वैसे ही भगवान का सुदर्शन चक्र उसका सुरक्षित किया, और वहाँ से एक ज्योति निकली और भगवान में वो समा गई। और वो जो तीसरा उनका जो द्वारपाल था जय विजय, जो अंतिम जन्म में उसका भी भगवान ने उद्धार किया, और उसके बाद में राजसु यज्ञ प्रारंभ हुआ। भजमन नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण।
हरि गुरु नारायण 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 हरि गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 नर नारायण 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 नर नारायण सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण